वेलकम टू टैम्स गिटार डॉट कॉम और अभी हम लोग बेखयालिया गाने का इंट्रो सोलो सीखने जा रहे हैं. इट्स अ रॉक ब्लूज सोलो. तो बिफोर वी स्टार्ट, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये बिगिनर्स के लिए है नहीं, बट बिगिनर लोग देखिए इस वीडियो को, क्योंकि इससे आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा. और जो लोग इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर आपका प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि फाइंड अ टीचर, क्योंकि ये सब चीज़ ना, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड प्रॉपर प्रैक्टिस टेक्निक्स. अगर आप कुछ गलत तरीके से कर रहे हो तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बेंड्स वगैरह बहुत ट्रिकी है. इनिशियली आपका बेंड तो पिच में ही नहीं होगा फर्स्टली, एंड सेकेंडली अगर हो भी गया तो बहुत कुछ जानना चाहिए आपको, अगर इफ़ यू वॉन्ट टू रियली प्ले वेल. अदरवाइज दीज काइंड ऑफ सोलोज अटेम्प्ट करके कोई फ़ायदा नहीं. तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई टेल इन एवरी वीडियो, आई कीप ऑन टेलिंग पीपल, कि इफ़ यू कैन अफोर्ड लेसन्स, आप किसी टीचर के पास जाओ, स्टेप बाई स्टेप आप सीखो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. और अगर आपके आसपास कोई प्रॉपर टीचर नहीं मिल रहा है तो वी हैव स्टार्टेड स्काइप क्लासेस वे बैक, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स वगैरह है, वो आप चेक कर सकते हैं. और ये सब बजाने के लिए यू नो योर लेफ्ट हैंड शुड बी वेरी कम्फर्टेबल टू द फ्रेटबोर्ड, तो उसके लिए स्केल शेप्स वगैरह आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस करना चाहिए. तो मेजर स्केल फ्रॉम स्क्रैच बोल के देयर इज अ कोर्स, यू कैन चेक इट आउट, ठीक है. और अगर आप पुणे या कलकत्ता में हो, यू कैन लर्न डायरेक्टली फ्रॉम अस फेस टू फेस क्लासेस, नहीं तो पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर लर्निंग फ्रॉम अस, यू नो, फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो, ऑनलाइन वाया स्काइप. वो नीचे लिंक आप एक बार चेक कीजिए. और कुछ बोलना है नहीं, सेव योर ओन टाइम, टाइम इज रनिंग आउट फॉर एवरीबडी. तो ज्वाइन अ क्लास एंड लर्न प्रॉपरली. तो ये गिटार सोलो ए माइनर पेंटाटोनिक स्केल में है और ए ब्लू स्केल, बिकॉज फ्लैट फाइव नोट भी यूज किया हुआ है. तो ये पेंटाटोनिक स्केल आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है. और हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी इसको. फर्स्ट ऐसे बजता है, तो बेसिकली ऑन द 15th फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग आप बेंड कीजिए. इट्स अ होल स्टेप बेंड, उसका मतलब तो ये जो बेंड्स वगैरह है ना, इसको प्रॉपरली प्रैक्टिस करना चाहिए बाय स्लाइडिंग. तो ये पिच मैच होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा. और बेंडिंग का टेक्निक भी होता है, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड लॉट ऑफ वीडियोज ऑन बेंडिंग टेक्निक, मेरा चैनल में आप ढूंढिए. देखिए ये तीन फिंगर से मैं इसको बेंड कर रहा हूँ, जिनको एकदम ही पता नहीं. और यहाँ मैं एक टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली, ये क्या है, आई एम स्वीपिंग. स्वीप कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि ये छोटा छोटा चीज़ फ्लेवर ऐड करता है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. इट्स नॉट अबाउट ओनली प्लेइंग द नोट्स. देखिए ये नोट हिट करने से पहले मैं ये बाकी फिंगर से ऊपर वाला नोट्स को, स्ट्रिंग्स को म्यूट किया हूँ, तो ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा अलग से. बहुत ट्रिकी है, क्योंकि यू हैव टू होल्ड इट. इसको बेंड करने के बाद पुट योर लिटिल फिंगर 15th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, उसको पिक कीजिए. देख रहे हैं आप, वॉबल कर रहा है ये, एकदम स्पॉट ऑन अगर नहीं आपका बेंड होगा तो एकदम पिच में नहीं रहेगा. फिर क्या है, ये पिक किया आपने, ठीक है. फिर ये जो बेंड किया हूं मैं इस नोट को, इसको यहां ही पकड़ के रख रहा हूं, फिर अगेन पिक कर रहा हूं, फिर उसको रिलीज कर रहा हूं. ये बहुत ट्रिकी है समझाना, अगर इफ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ प्री बेंड्स वगैरह बहुत सारा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. इसको नीचे लाने के बाद बहुत सटल है, इसको पुल ऑफ करना पड़ेगा 15th फ्रेट पुल ऑफ टू. मैं गेन कम करता हूँ और पिकअप को नेक पोजीशन में डालता हूँ. जनरली हाई गेन के लिए ब्रिज पोजीशन में डालते हैं. यहाँ देखिए हम्बकर है. आई टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द गिटार एंड द टोन्स आई एम यूजिंग, ठीक है. तो ये ब्रिज पिकअप बहुत हाई गेन है, उसको मैं नेक में अभी स्विच कर रहा हूँ. तो देखिए इट्स क्लीन, मच क्लीनर.
आई थिंक ऐसा ही बजा था, आई डोंट रिमेम्बर, एक दो बारी मैं सुना था शुरुआत का पार्ट, बिकॉज इट्स ईजी कम्पेयर टू द नेक्स्ट पार्ट. तो नीचे इसको लाके यू पुल ऑफ टू द 13th फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग. पुल ऑफ करने के बाद आप थर्ड स्ट्रिंग 14th फ्रेट को बजाइए सेकंड फिंगर से. फिर 15th ऑन द सेकंड स्ट्रिंग, 13th ऑन द सेकंड स्ट्रिंग, 14th थर्ड स्ट्रिंग में दो बार. तो ये लिक ऐसा है, अगर एग्जैक्टली ऐसा नहीं है तो इस पोजीशन में ही बजा है. मुझे एक बार सुनना पड़ेगा ऑडियो, ऐसा ही है आई बिलीव, क्योंकि मेरा लेसन बनाने का मकसद ये नहीं है कि नोट फॉर नोट आप वो सीखे. कॉन्सेप्ट्स आपको पता चलेगा, मुझे कोई नहीं सिखाया, मैं किसी को देखा भी नहीं ये बजाते हुए, बट स्टिल आई एम टीचिंग यू. तो आई वॉन्ट यू टू गेट टू दिस लेवल कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनना है. तो वेरी स्लोली और दो बार बजाते हैं. फिर द नेक्स्ट पार्ट इज लाइक दिस. तो इसको छोटा छोटा चंक्स में सीखेंगे. तो ये माइनर पेंटाटोनिक पोजीशन में आ गया है. तो यहां क्या हो रहा है, आप स्टार्ट कीजिए 5th फ्रेट 4th स्ट्रिंग से, 5 7, थर्ड स्ट्रिंग में भी 5 7, फिर 7th को फिर से बजाइए थर्ड स्ट्रिंग में एंड बेंड इट अप, और फर्स्ट फिंगर को बार कीजिए ऑन द 5th फ्रेट और ऐसे बजाना होगा, ठीक है. हो गया ये. फिर पुल ऑफ कीजिए थर्ड फिंगर से फर्स्ट स्ट्रिंग 7th टू 5th फ्रेट, ठीक है. नाउ द ट्रिकी पार्ट कम्स. ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट है, इतना करते हैं पहले. पुल ऑफ कीजिए 8th फ्रेट टू 5th फ्रेट ऑन द सेकंड स्ट्रिंग, फिर 7th फ्रेट टू 5th फ्रेट ऑन द सेकंड स्ट्रिंग, फिर द ब्लूज नोट, दिस इज फ्लैट 5, डेविल्स नोट, ठीक है. ये 4th फिंगर से आप 8th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग को लीजिए, फिर से इतना हुआ है. फिर अगेन यू पुल ऑफ 7th टू 5th ऑन द सेकंड स्ट्रिंग, इसको डिफरेंट चंक में प्रैक्टिस कीजिए. फिर आपका 7th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग एक बार मैं बजा के देख लेता हूं. हाँ, 7th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग पुल ऑफ टू 5th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, फिर द रूट नोट ए ऑन द 7th फ्रेट 4th स्ट्रिंग, फिर 7th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग. तो यहां देखिए नोट को मैं चोक कर रहा हूं, स्टकैटो. तो प्रॉपर फील लास्ट में आएंगे, देखेंगे, अभी नोट्स को समझ लेते हैं. इस पैटर्न को आप प्रैक्टिस कीजिए. सॉरी, ओके, थोड़ा समझ में आने का प्रॉब्लम होगा बिकॉज दीज फ्रेजिंग्स आर कॉम्प्लिकेटेड.
ठीक है, फिर क्या हो रहा है? फिर पुल ऑफ फ्रॉम सेवेंथ टू फिफ्थ ऑन द फोर्थ स्ट्रिंग, फिर स्लाइड फ्रॉम सेवेंथ टू फिफ्थ ऑन द फिफ्थ स्ट्रिंग. सो ओपन, पुल ऑफ टू ओपन, फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन. कुछ करता है, इसको स्पीड में बजाने से समझ में आएगा. तो इसको प्रैक्टिस कीजिए अलग से. सो आफ्टर दिस स्लाइड एंड पुल ऑफ और फर्स्ट फिंगर से थर्ड फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग को बजाइए और पुल ऑफ कीजिए. बच्चे लोग बहुत खेल रहे हैं, देयर इज अ पार्क नेक्स्ट टू माय स्टूडियो. तीन बार होगा. फिर देयर इज अ क्वार्टर स्टेप बेंड. इसको सुनो आप लोग अच्छी तरह से, देख रहे हैं धीरे धीरे मैं इसको नीचे पुल कर रहा हूं स्ट्रिंग को और बंद कर रहा हूं. फिर फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन से खत्म करो. Comes into play. I think he is using a Floyd Rose type of. मेरा basic trim है, तो ये ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा. तो ये pitch को basically नीचे bend कर रहा है. अगर आपके पास ये नहीं है, तो आप ऐसे कर सकते हो. So this is what is happening. Fifth fret से कर सकते हैं. यही था सोलो. मुझे पता है कि बहुत डिफिकल्टी होगा बहुत लोगों को बजाने में. आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स है. तो अगर आप समझ में नहीं आ रहा है, तो एक दो बार मैं बहुत स्लोली बजा के दिखाता हूँ. देखिए, ये सब के पीछे मत जाइए, नॉर्मली कीजिए. तो वेरी स्लोली इट्स लाइक दिस. तो दो एक रिकमेंडेशन है कि दीज काइंड ऑफ फ्रेजिंग अगर आपको सुनना है, जनरली बॉलीवुड में ये सब नहीं बजता अभी. दीज पीपल हु आर प्लेइंग दीज काइंड ऑफ रिफ्स आर लाइक मॉडर्न प्लेयर्स. तो ये सब साउंड सुनने के लिए, जानने के लिए, यू नीड टू लिसन टू अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट. लाइक आई विल रिकमेंड अ फ्यू सॉन्ग्स. अभी मेरे दिमाग में जो आ रहा है ये फास्ट लिक इज अ गैरी मोर काइंड ऑफ अ लिक फॉर श्योर. गैरी मोर का स्टिल गॉट द ब्लूज बोल के एक सॉन्ग है, वो सुनिए, स्टिल गॉट द ब्लूज. फिर और ये जो चोकर है ना, तो बिली गिबन्स इज द मास्टर ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स. बिली गिबन्स, देयर इज अ बैंड कॉल्ड जीजी टॉप, जेड जेड टॉप. सो वी प्रोनाउंस अमेरिकन सिस्टम में जी एज जेड. तो जीजी टॉप बोल के एक बैंड है. आई थिंक आई रिमेंबर मेरा टीचर दिया था एक एल्बम व्हेन आई वाज जस्ट लर्निंग द ब्लूज, यू नो, एज अ बिगिनर. रिदमिंग बोल के देयर वाज एन एल्बम, आई वाज लाइक ब्लोन अवे. वो एल्बम अगर आपको मिलता है, नहीं तो स्पॉटिफाई में तो बहुत कुछ है. आप देखिए जीजी टॉप का रिदमिंग एल्बम सुनिए, तो वो देखिए, वो सुनिए. और वन मोर सॉन्ग आई यूज टू लिसन टू अ लॉट इन माय कॉलेज डेज, इट्स कॉल्ड ब्लूएस्ट ब्लूज बाय एल्विन ली. ये दो तीन रिकमेंडेशन मैं आपको देता हूँ, ये सुनिए. तो ये सब सुनने से यू विल बी एबल टू हियर हाउ दीज पीपल हैव यूज्ड द टेक्निक्स इन देयर सॉन्ग्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बॉलीवुड सुन के अगर ये सब बजाना है तो कुछ नहीं होगा. बॉलीवुड में ऐसा नहीं बजता. कभी कभी लोग जो बजाते हैं ओनली बिकॉज दे आर इन्फ्लुएंस इज यू नो द वेस्टर्न म्यूजिक. तो
बॉलीवुड सुन के आपका ब्लूज प्लेइंग कभी इंप्रूव नहीं होगा, रॉक ये सब कुछ नहीं हो सकता. तो ये सब आर्टिस्ट को सुनिए. स्टीवी रे वॉन इज वन ऑफ माय फेवरेट. सो व्हेन यूजिंग दिस, तो दिस इज स्टीवी रे वॉन सिग्नेचर. तो स्टीवी रे वॉन ये दिस नोट द नाइन्थ, इसको बहुत ब्यूटिफुली ही यूज टू यूज. तो एनीवे यही सुनिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए एंड गुड लक एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द लिंक्स बिलो. ऑलराइट एंड नाउ आई विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट व्हाट आई एम यूजिंग. मैं काफ़ी बेसिक डिस्टॉर्शन टोन यूज़ कर रहा हूँ, कुछ खास कुछ है नहीं. आई एम नॉट इवन यूजिंग अ डीले इन दिस टोन. तो इधर आई एम यूजिंग अ हम्बकर. ये दीज आर सर पिकअप्स. ओके एंड ये हम्बकर से आपका थोड़ा पावरफुल टोन आएगा. तो इन द ब्रिज पोजिशन आई एम प्लेइंग दिस. और दिस इज अ स्ट्रैट और कुछ है नहीं. और आई एम यूजिंग अ ट्यूब एम्प. आई शो यू व्हाट आई एम यूजिंग. तो जैसे आप देख सकते हैं दिस इज अ बेसिक ट्यूब एम्प. आई हैव कनेक्टेड द गिटार डायरेक्टली टू द इनसाइड द ट्यूब एम्प. और एफएक्स लूप से आई हैव कनेक्टेड अ रिवर्ब. दिस इज स्काई वर्ब. इज अ वेरी बेसिक रिवर्ब बाय मोड. और कुछ है नहीं, इससे ही मेरा टोन मिल रहा है. तो इसको और भी अच्छा बनाया जा सकता था बट आई डोंट हैव टाइम एट द मोमेंट. तो जस्ट ये बेसिक सेटअप से ही आई क्रिएटेड दिस वीडियो. नहीं तो थोड़ा डिले पेडल लगाने से और थोड़ा बेटर राउंडेड टोन आता. और आई कुड हैव एडेड अ ओवरड्राइव पेडल ऑल्सो एट द बिगिनिंग, यू नो. तो यही है, खास कुछ है नहीं. तो यूजिंग दिस यू कैन क्रिएट योर ओन साउंड. अगर आपके पास बेसिक एम्प है तो उसका डिस्टॉर्शन ऑन करके आप कर सकते हैं. नहीं तो आपके पास प्रोसेसर है तो डिस्टॉर्शन डिले कंप्रेशन ये सब इफेक्ट्स को यूज करके यू कैन क्रिएट योर ओन टोन.